भारत में अभी G20 देशों की मीटिंग चल रही है और भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। इस बीच दुनिया के मोरक्को देश से जो ये खबर आई वाकई में बड़ी दुख की बात है। भूकंप से सैकड़ों की संख्या में इमारतें मलबे और धूल में तब्दील हो गई। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल ऐतिहासिक माराकेच में पर्यटकों का ध्यान खींचने वाली लाल दीवारों के कुछ हिस्से भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2023 में आपको विलाप करते हुए लोग लाखों लोग मर रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। इंडिया में भी आपने अब तक भूकंप के झटके देखे हैं, लेकिन इंडिया में भी आप भूकंप से मैं देख रहा हूं, बाहर भी, फॉरेन में भी, मैं यूएसए में भी जगह जगह देख रहा हूं। आप सुनेंगे दो देश ऐसे, कोई राजा होगा, प्रधानमंत्री होगा, दो देश अपनी ताकत आजमाएंगे, आप सुनेंगे, हाथ मिलाएंगे और वो ताकतवर हो जाएंगे। इस देश को पर तीसरी नोटबंदी लागू कर देगी, क्योंकि मैंने ये नोट देखी, ये 100 रुपए की नोट, इसमें क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर लिख दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत तो नोट तो चलेगी नहीं, तो पूरे देश में नोटबंदी लागू करने जा रहे हैं मोदी जी। आने वाले समय में एकदम से इकोनॉमिक प्रेशर देशों के ऊपर पड़ेगा, एकदम से, लाइक सडनली, जस्ट सडनली 3-4 महीने में पूरी देश की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे, फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? मोदी की हेल्प अगर हम करते हैं, आपकी तरफ से अगर 1 रुपए से लेके आप जो चाहें वो दे सकते हैं, क्यों कार पे अपना दशवांत या अपनी गिफ्ट ही मान ले, गिफ्ट के रूप में आप इन्हें भेंट कर सकते हैं और प्रभु आपको आशीष देगा। और बीज बोए का एक हिस्सा बड़ी बड़े आफत के साथ, बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसी बाढ़ें ऐसी नहीं आई। मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में कि बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, लेकिन परमेश्वर करा प्रार्थना के कारण बहुत सारे लोगों का फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कि किसान करा के सूखे के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण, क्यों? क्योंकि एक आफत शुरू होगी दूसरे देशों से, चाइना, रूस। मैं देख रहा हूं आप वहां से एक न्यूज सुनेंगे, अब लबा शब लबा, प्रभु बुद्धि दे मुझे और इसी समय बातें करने के लिए सहायता कर। अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा खड़ा है, पवित्र आत्मा तेरा कंट्रोल हो मेरे बोलने पर, तू जो बोलना चाहता है परमेश्वर तू मुझे बता। और इसी समय पवित्र आत्मा कहता है रूस कह रहे वहां से एक वायरस उठेगा, चाइना, ताइवान के ऊपर कुछ, आप ऐसे देशों में आप देखेंगे 3 दिन तक काला बादल रहेगा और उस बादल के कारण आप देखेंगे कि एक न्यूज में सुनेंगे कि साइंटिस्ट इस बात की खोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक जगह एक फैक्ट्री में, न्यूक्लियर फैक्ट्री में कोई ऊपर से कोई देश कोई जहाज से बम गिरा देगा और वो बहुत खतरनाक होगा और वो पूरी दुनिया के अंदर हो सकता है। कहीं कहीं देशों में 3 दिन तक ऐसे आप अंधेरा अंधेरा देखें, काले रंग का बादल देखें। मैं देख रहा हूं कि समुद्र लाल हो गए हैं, दो देश आपस में लड़ रहे हैं, ताइवान, मैं देख रहा हूं इंडोनेशिया और मैं जापान को और चीन को चेतावनी देता हूं यीशु मसीह के नाम में, सुधर जाओ। आत्मा कह रहा है सुधर जाओ। ऐसे शहरों को, ऐसे लोगों को जो पाप की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मा कह रहा है सुधर जाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सुनामी लहर आ रही है, बहुत बड़ी तूफानी लहर आ रही है, लाखों लोग मर रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। इंडिया में भी आपने अब तक भूकंप के झटके देखे हैं, लेकिन इंडिया में भी आप भूकंप से मैं देख रहा हूं, बाहर भी, फॉरेन में भी, मैं यूएसए में भी जगह जगह देख रहा हूं कि समुद्री लहरें, समुद्री तूफान, अलग अलग नाम देंगे उसको न्यूज वाले, लेकिन उनको पहचान में नहीं आएगा। अब लबा शब लबा, लाखों लोगों की घर की छतें उड़ जाएंगी। डरा नहीं रहा हूं, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा अनुग्रह करना चाहता है, कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, लेकिन जब उस आफत को देखेंगे और हाथ उठाएंगे, कह रहे हैं स्वर्ग दूत उतरेंगे स्वर्ग से और लोगों को शांति देंगे यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा कह रहे कि मैं उन लोगों को शांति दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे आप सुनेंगे न्यूज में भी, इंडिया में भी सुनेंगे, कह रहे कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी और जंगल में 30 दिन तक, किसी जंगल में 30 दिन तक कोई आग नहीं बुझा पाएगा, आग लगेगी, कुछ जानवर निकलकर शहरों में घुसेंगे। आप सुनेंगे अलग अलग तरीके के सांप, बिच्छू, शेर, चीते, हाथी, आप ऐसे सुनेंगे जानवर बड़े बड़े न्यूज़ों में सुनेंगे कि वो लोगों के गांवों में घुस जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मारे जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्यों? मैं कह रहा हूँ नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद कह रहे कि बहुत जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे बहुत सारे। मैं देख रहा हूँ कि फॉरेन में भी, इंडिया में भी, कि किसान लोग परेशान होंगे, सड़कों पर निकल आएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जमीनों को बेचना स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारे लोग। मेरे भाई बहनों, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो प्रभु की एक हमारे लिए शांति का प्रतीक पवित्र आत्मा जो हमारे लिए रखा गया, हम उसे कैसे महसूस करें और कैसे उसके अंदर इन्वॉल्व होएं और कैसे वचन पर चलें, इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर ने हमारे प्रॉफिट जी जैसे और बहुत से जो पास्टर हैं जो हमें प्रचार करते हैं, चर्चों में हमें शिक्षा देते हैं, ये सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही है रीज़न, वो है परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा को जाने। तो जो भविष्यवाणियाँ होती है जो प्रॉफिट जी करते हैं वो क्यों कर पाते हैं और क्यों उस चीज़ पर हमें अमल करना चाहिए, सबसे पहले जब हम पवित्र आत्मा की संगति में चलते हैं तो हमें पवित्र आत्मा हर एक चीज़ का आभास करा देती है। करा देती है कि नहीं करा देती है आपको पता है, क्योंकि जब हम मुसीबतों से निकले तब परमेश्वर ने हमें ये रूप रंग हर एक चीज़ के बारे में हमें अवगत कराया हुआ है, हमारी बुद्धि, हमारा जीवन, सब के बारे में हमें सुझा देता है। आपने महसूस किया होगा मेरे भाई बहनों कि जब हम परमेश्वर में आए तो हमारे बुरे होने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आभास हो जाता है और हमें एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि हमें इस चीज़ पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर महसूस करा देता है। उसी प्रकार जब प्रॉफिट भविष्यवाणियाँ करते हैं, जब उनके अंदर ये गॉड ने ये चीज़ रखी है, प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर ये आभास कराया कि जब वो किसी के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें वो चीज़ महसूस होती है, चाहे वो देश के बारे में हो, चाहे वो हमारे जीवन के बारे में हो, चाहे वो किसी भी रीति से, किसी भी सामाजिक, किसी भी प्रकार की बात क्यों ना हो, परंतु मानना हमारे भीतर है, हम मानते हैं, इसीलिए आज हमारी चीज़ों को प्रभु समझता है। वो हमारे लिए, वो हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे बच्चों के मुँह पर आके बोलेगी। जो पवित्र आत्मा है, जिसने पाप छोड़ दिया, जिसने पाप की संगति छोड़ दी, जिसने बुराइयाँ छोड़ दी, जिसने कुकर्म छोड़ दिया, जिसने परमेश्वर की सेवा को अपना जीवन बना लिया, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से बात करते हैं जो परमेश्वर के नियम और अनुशासन पे चलते हैं, जो परमेश्वर के कहने पे चलते हैं। मेरे भाई बहनों, आज ये जो कोट मैंने डाला है ये एक सफ़ेद रंग का है और आप देख सकते हो जब सफ़ेद रंग किसी भी रंग से रंगा जाता है तो वो कलर दिखता है, वैसे ही परमेश्वर को भी हर एक बुराइयों के रंग दिखते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, हमारे कुकर्म उन्हें दिखते हैं, हमारी गंदी सोच उन्हें नज़र आती है, परंतु हमें मानना है और ये जानना है कि हम पवित्रता से कैसे चलें। और प्रॉफिट जी और जो भी भविष्यवक्ता है और जो भी आज हमारे वचनों में लिखा है परमेश्वर के नाम से, उन सब पर हमें अमल करना पड़ेगा, तभी हम बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे और सुरक्षित होंगे। तो इन बातों को माने मेरे भाई बहनों और प्रभु की महिमा में जुड़े रहें। आपको हर एक आशीष मिले, जो आप आज ख्वाब देख रहे हो पूरे हो जाए और जो आज आप बीमारियों से लड़ रहे हो वो बीमारियां ठीक हो जाए, जिन समस्याओं के लिए आप आज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं पूरी हो जाए, मेरा विश्वास है। और आप सब के लिए मैं दुआएं करता हूँ, जो लोग आज मुझे, आज मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआएं करता हूँ कि परमेश्वर उन्हें 4 गुना आशीष दे, उनके मांगने से पहले और उनके सोचने से पहले परमेश्वर उनके लिए करे।
तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम प्रभु के द्वारा हमारे लिए प्रकट करें। आमीन।